नमस्कार, ग्रैंड एशिया न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं मुस्कान वर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अमेजॉन डिलीवरी कोरियर सर्विस के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी करने वाले दो आरोपी जामताड़ा से गिरफ्तार, दुर्ग पुलिस की बड़ी सफलता। संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर शामिल हुए सीएम बघेल। सीएम ने बाबा साहब अंबेडकर की प्रारंभिक शिक्षा व जीवन का किया उल्लेख। आरक्षण विधेयक को मंजूरी मिलने में हो रही देरी को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने राजभवन पर साधा निशाना, कहा राज्यपाल के अधिकारों की समीक्षा होनी चाहिए। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरक्षण विधेयक को मंजूरी मिलने में हो रही देरी को लेकर एक बार फिर राजभवन पर निशाना साधा है। श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए। किसी विधेयक को कितने समय तक रोका जा सकता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर शुक्रवार को एक कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया कर्मियों से कहा कि समीक्षा होनी चाहिए। आखिर किसी बिल को कितने दिनों तक रोका जा सकता है? समीक्षा होना चाहिए। आखिर किसी बिल को कितने दिन तक रोका जा सकता है? जो ऐसे बिल जिसे सीधा जनता जुड़ा नहीं हुआ उसमें यदि कर रहे हैं तो समझ आता है। यदि वो कंकरेंट लिस्ट में है और उसमें यदि राष्ट्रपति के पास भेजा जाना है तो एक अलग बात है। लेकिन आरक्षण तो विशुद्ध रूप से राज्य का विषय है और उसमें राज्यपाल चार चार पांच पांच महीने तक रोक के बैठे तो यहां के जो छात्र छात्राएं हैं, यहां के नौजवान युवक युवती हैं जिसको आगे भी एडमिशन लेना है और नौकरी में भर्ती होना है, उसको यदि रोका जाता है तो निश्चित रूप से इस बात की समीक्षा होनी चाहिए कि आखिर किसी बिल को कितने दिन तक रोका जा सकता है। लौटा दे या हस्ताक्षर करे, ये रोकने के काम क्या है? मतलब राज्यपाल को क्या इतना अधिकार कि प्रदेश के युवा और नौजवानों के जीवन को खतरे में डाल दे, भविष्य अंधकार में कर दे? ये अधिकार तो नहीं मिलना चाहिए किसी को। आर्थिक बहिष्कार कर रहे हैं, इस तरह की परंपरा है, आर्थिक बहिष्कार की परंपरा है दो समुदायों के, सफल नहीं जा रहे कि हम इसका आर्थिक बहिष्कार करेंगे, ये परंपरा कैसे सही है? क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का देखो, इनको नफरत फैलाने का कुछ आता नहीं। नफरत फैलाओ, समाज में द्वेष फैलाओ और आधा वोट दे दो जनता के लिए, इसके पास कार्यक्रम कुछ नहीं है। अभी बीरनपुर की घटना में क्या हुआ, ये कोई जांच कमेटी की कोई उस निर्णय में पहुंचे, निष्कर्ष में पहुंचे और सीधा हिंसा, आग लगाओ ताकि वो सत्ता हासिल कर सके। आरक्षण को लेकर लगातार आप लोगों ने मार्च किया, प्रदर्शन किया, राजभवन आगे सरकार की क्या स्थिति रहेगी? भाई एक तो कोर्ट में जाना है, फिर से हमने पत्र फिर से लिखा, निवेदन किया। चलो देखिए, हम किसानों के हित में काम किए हैं, मजदूरों के हित में फैसला लिया है, हमारे यहाँ अनुसूचित जाति के लिए फैसला किए हैं, जनजाति के लिए फैसला किया है, नौजवानों के लिए फैसला किया है, छात्र छात्राओं के लिए फैसला किया है और उसका लाभ उठा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के हितों का फैसला हमने किया है, छत्तीसगढ़ महतारी के को उसके राजगीत, उसकी राजभाषा और उसके मूर्ति की स्थापना से लेकर आज जो छत्तीसगढ़ के जो बोली है, भाषा है, संस्कृति है, तीज त्यौहार है, उसको हमने ऊपर लाने की कोशिश की है। ठीक है, हाथ दर्द कर रहा है। देश के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुक्रवार को भिलाई के बुद्ध विहार सेक्टर 6 में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने इस मौके पर कहा कि बाबा साहब अंबेडकर ने देश के संविधान में दुनिया के सबसे अच्छे आदर्शों को शामिल किया है। जो संविधान उन्होंने बनाया उसमें अंतिम व्यक्ति की आवाज भी सुनाई देती है और असर भी होता है। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश सेवा में लगा दिया। वही सीएम ने इस मौके पर भिलाई में दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के चल रहे निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए 25 लाख रुपए देने की घोषणा की है। मंच सभी अतिथिगण, उपस्थित देवियों, सज्जनों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों और पत्रकार साथियों,
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती बहुत श्रद्धा पूर्वक पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। मेरा भी सौभाग्य कि आज रायपुर में भिलाई 3 में अंबेडकर चौक में और आज सेक्टर 6 में भी आपके साथ बाबा साहब को हम लोग स्मरण कर रहे हैं। किसी व्यक्ति को एक विधा में पारंगत होने के लिए पूरा जीवन कम पड़ता है। कोई शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में जीवन भर संघर्ष करता है तब जाके उसकी पहचान बनती है। लेकिन कोई कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में जो कार्य कर देते हैं वो पूरे देश और दुनिया के लिए, समाज के लिए एक मील का पत्थर साबित होता है। और ऐसे महामानव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो कोई दशकों में नहीं शतकों में ऐसे महामानव का जन्म होता है, मैं ऐसे महामानव को प्रणाम करता हूँ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुक्रवार को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती के अवसर पर सम्राट अशोक बुद्ध विहार भिलाई 3 पहुंचे, जहां उन्होंने सर्वप्रथम समाज द्वारा स्थापित अष्ट धातु से निर्मित बुद्ध प्रतिमा को नमन कर मंच की ओर प्रस्थान किया। मंच से मुख्यमंत्री ने अपने उद्बोधन में डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर के प्रारंभिक शिक्षा से लेकर जीवन पर्यंत संघर्ष का उल्लेख किया। हमारे एसपी कलेक्टर भी उपस्थित हैं। उपस्थित देवियों, सज्जनों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, बाबा साहब की जयंती बहुत धूमधाम से पूरे देश भर में, और जैसा कि अशोक ने बताया कि जहां जहां भी बाबा साहब के मानने वाले हैं पूरी दुनिया में उसकी जयंती मनाई जा रही है। बाबा साहब को याद करना, उनके जो संघर्ष है, उनके जो त्याग है, उसे याद करना है। बाबा साहब बालकाल से ही जिन परिस्थितियों में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्कूल में हो, या स्कूल के बाद जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, वो लड़ाई खुद तो लड़े, लेकिन उस लड़ाई को उन्होंने पूरे देश के शोषित, पीड़ित, दबे कुचले लोगों की लड़ाई उन्होंने बना दी। कोई व्यक्ति जब अपनी लड़ाई लड़ता है तो लोग उससे अपने आप से जोड़ते हैं कि हाँ, मेरे सामने भी परिस्थिति है। लेकिन कोई व्यक्ति अपने परिवार के लिए संघर्ष करता है तो समाज में प्रतिष्ठा पाता है, घर में प्रतिष्ठा पाता है। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति जो पूरे देश के लोगों के अधिकार के लिए लड़ता है तो उसे हम सब महामानव के रूप में याद करते हैं, स्मरण करते हैं। बाबा साहब की 132वीं जयंती हम सब मना रहे हैं। उन्होंने जो कुछ भी किया वो अपने लिए नहीं किया, बल्कि पूरे देश के लिए किया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। किराना दुकान खोलने के लिए बजाज फाइनेंस से लोन दिलाने के नाम पर अंजोरा पुलिस चौकी क्षेत्र के ग्राम चंगोरी निवासी किसान से 8 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी राधेश्याम कुमार को दुर्ग पुलिस की एंटी साइबर यूनिट व अंजोरा पुलिस चौकी की टीम ने नवादा बिहार से गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने कुछ इस प्रकार से दी। कितने परिवार करते होंगे? अरे भाई, परिवार कितने होंगे?
सर मेरा गांव जैसे हिंदू मुस्लिम मिला के 25-30 लड़के काम करते होंगे। और भाई जिले में कितने लड़के काम करते होंगे इस तरह का? जिला कौन सा है? जमतार जिले में कितने लड़के काम करते होंगे? सभी गांव करते हैं। सब गांव यही काम करते हैं? कितने गांव काम करते होंगे? कितना भाई? 100-150-500 हजार। तुम्हारे गांव में हर घर में बताया 25 परिवार करते हैं। अग्नि सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत दुर्ग के केंद्रीय विद्यालय में आगजनी से बचाव के लिए डेमो दिखाया गया। 14 अप्रैल को अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत हुई। इस अवसर पर अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के कर्मचारियों ने दुर्ग विधायक अरुण वोरा के नेतृत्व में जागरूकता रैली की शुरुआत की, जिसमें दुर्ग एवं भिलाई के विभिन्न क्षेत्रों में अग्निशमन कर्मियों द्वारा अपनी अग्निशमन वाहनों के साथ भ्रमण किया गया। इसी कड़ी में अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह के अवसर पर केंद्रीय विद्यालय दुर्ग में भी फायर का डेमो दिया गया। यहां मौजूद छात्राओं को विभिन्न प्रकार के अग्नि के बचाव हेतु जानकारियां दी गई, जिसमें अग्निशमन कर्मी, नगर सैनिक एवं SDRF के जवानों द्वारा प्रैक्टिकल डेमो दिया गया। डिग्री पे जलेगा, कोई 40 पे जलेगा, कोई 20 पे जलेगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो माइनस में भी जलती हैं। अगर माइनस डिग्री में से बेंजीन वगैरह है, अगर माइनस में भी रहेगा तब भी वो जल जाता है। आपका सोडियम वगैरह हो गया, सोडियम को देखते हैं किस में रखते हैं, केरोसिन ऑयल में रखते हैं। बाहर अगर निकालेंगे तो अपने आप को वातावरण से वो जल जाएगी। तो बहुत सारी चीजें हैं, मतलब सब जलने वाली चीजें जो है उनका अलग अलग जलने का। ग्रैंडसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अमेजोन डिलीवरी कोरियर सर्विस के नाम से पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र निवासी से 4 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपियों को एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम ने जामताड़ा झारखंड के ग्राम पिंडारी से गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने अपने आप को अमेजोन डिलीवरी कोरियर सर्विस का प्रतिनिधि बताकर प्रार्थी से धोखाधड़ी की थी। मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने पत्रकार वार्ता में इस प्रकार से दी। झारखंड का एक जिला है जामताड़ा, नाम तो सुना ही होगा। जामताड़ा गांव के ऊपर एक वेब सीरीज भी बनी हुई है। जामताड़ा ऐसा गांव है जहां से कुछ गूगल के बारे में जानकारी रखने वाले कुछ युवा वहां से बैठ के भारत के विभिन्न जगह से लोगों को ऑनलाइन ठगी का शिकार करते हैं। ऑनलाइन में ऐसे लोगों को ठगा जाता है जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या ऑनलाइन लोन लेते हैं। लोन के नाम पे, किसी को लोन दिलाने के नाम पे ये लोग ठगी करते थे, तो किसी का पार्सल भिजवाने के नाम पे ठगी करते थे। दुर्ग पुलिस ने जामताड़ा से 3 ऐसे युवकों को गिरफ्तार करके लाया है जिन्होंने 500 से अधिक ठगी किए हैं, और वो ठगी पूरे ऑनलाइन ठगी किया गया है। लोगों को बहला फुसला कर उनसे उनका OTP, आधार कार्ड मांगकर उनके अकाउंट के सभी पैसे को खाली कर दिया जाता था। SP साहब ने बताया कि ये लोग एनी डेस्क नाम का एक ऐप मोबाइल में इंस्टॉल करवाते थे। एनी डेस्क एक ऐसा ऐप है जिसके माध्यम से आपके मोबाइल का पूरा डाटा उस ऐप को इंस्टॉल करते ही सामने वाले के पास पहुँच जाएगा, जिससे आपका मोबाइल अनसिक्योर हो जाएगा और आपके डाटा हो गए या अकाउंट के बैलेंस हो गए वो सब सामने वाला एक बार में खाली कर देगा। देखिए पूरा मामला। आज 2 मामलों का खुलासा हुआ है। एक मामला नवादा से पुलिस पकड़ के लाई है, जिसमें कि फेसबुक में बजाज का फाइनेंस का लोन दिलाने के नाम पे ठगी की जाती थी। हेल्पलाइन नंबर फेसबुक पर दिया जाता था, लोग उसमें कॉल करते थे। जो मास्टरमाइंड है उसने 6-7 लड़के जो है रिक्रूट कर रखे थे, जिसको 15% कमीशन दिया जाता था। जो हेल्पलाइन नंबर पे जब आदमी फ़ोन करता लोन के लिए, तो पहले 1200-1500 रुपये रजिस्ट्रेशन के नाम पे मांगे जाते थे, प्रोसेसिंग के नाम पे मांगे जाते थे, फिर रिफंड के नाम पे मांगे जाते थे। जो जितना इंस्टॉलमेंट थे उतना पैसा उनसे ले लिया जाता था। एक व्यक्ति से 10,000 रुपये से लेके 1,500 रुपये से लेके 5 लाख तक की ठगी होती थी। हमारे यहाँ जो प्रार्थी है दुर्ग का, उसको बजाज फाइनेंस के नाम पे 5 लाख की ठगी की गई थी। टोटल 42 ट्रांजेक्शन्स में 5 लाख रुपए लिए गए थे। ये लोग 5 साल से ठगी कर रहे हैं। हर महीने हर दिन 10-15 लोगों को एक लड़का फ़ोन करता है, जो 7 लड़के उन्होंने हायर कर रखे हैं। 100 कॉल करीब डेली किए जाते हैं। साल भर में
करीब 35,000 कॉल किए जाते हैं। 5 लाख की ठगी में 15-17 हज़ार बैठे बैठे मिल गया, तो एड लगाते थे, उसके बाद क्या करते थे? उस पर फोन आता था तो बात करते थे। बात करते थे, क्या बात करते थे? मान लो मैंने देखा, फोन लगाया तुमको, तो फोन पकड़ो, चल लगाओ, हाँ बात करो। क्या नाम है? बजाज फाइनेंस। जी सर, क्या आप लोन लेना चाहते हैं? हाँ लोन तो लेना चाहता हूँ, 5 लाख का लोन चाहिए मुझे, कैसे होगा? हो जाएगा, आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक सेल्फी फोटो, बैंक का पासबुक फोटो व्हाट्सएप कीजिए। किस नंबर पे व्हाट्सएप करो? सेम नंबर पे कर दीजिए। हाँ आपको व्हाट्सएप मिला मेरा? जी सर, आपका वेरिफिकेशन हो गया, इसमें आपको 2150 का खर्च लगेगा, जो कि अभी पेमेंट कराना होगा आपको। ये पेमेंट कैसे होगा? गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से। इसी नंबर पे? जी सर। पेमेंट तो हो गया है, हमारा लोन का क्या हुआ? सर लोन भी आपका फिर कंफर्म नहीं होगा, इसमें दूसरा चार्ज आ गया। अरे यार कितना चार्ज लोगे तुम? तो जमा किया है मैंने 2180 रुपए। सर वो जमा किया हो, प्रोसेस आपका हो गया, फिर से चार्ज आया, आप भरिए तब आपका होगा। और नहीं भरूंगा तो क्या होगा? फिर कैंसिल हो जाएगा आपका पैसा। और ये 2180 का क्या होगा? फिर नहीं मिलेगा सर। कितना जमा करना है? 3500। हेलो, 3500 जमा कर दिया भाई, लोन का क्या हुआ? फिर से कोई प्रॉब्लम? अरे क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है तुम्हारा यार, अभी तो 2800 जमा किया, अभी 3500 जमा किया। अरे पुलिस केस कर दूंगा तुम्हारा, कितना वसूल होगे तुम मेरे से? नहीं सर, आपको कराना अनिवार्य होगा, आप कराएंगे तब भी होगा। तुम कहाँ से बोल रहे हो? बजाज फाइनेंस से बोल रहे हो। मान लो ऐसे करके, ठीक है, तो 2000-5000 करके 5 लाख कैसे हो जाता है? गाली देख के भाग जाता है। तो आप देख सकते हैं कितने सिंपल मॉड्यूल में ये लोग केवल फेसबुक पे अपना ऐड देते हैं, उस पर फोन करते हैं। ज्यादातर लोग पहला इंस्टॉलमेंट रजिस्ट्रेशन का दिए 2800, डाउट हुआ हट लिए, कुछ उसके बाद 3500 दिए हट लिए, कुछ लोग फंसते चले गए तो उनको कुछ ना कुछ बहाने के, इसको 5 लाख कैसे, क्या क्या बहाने के 5 लाख लिए इसे? वैसे ही बहाने बनाते गए, देते गए, बनाते गए, देते गए। ये किस उम्र का था ये? प्रार्थी पहले बनाया, देता चला गया, रिकॉर्ड बना दिया इसने तो। कितने साल का था ये? प्रार्थी सर 43 इयर्स का है। क्या काम करता था? सर खेती किसानी करता है, खेती किसानी करता है। बताओ खेती किसानी वाले को तुम 5 लाख का चूना लगा दिए, तो तीन महीने में कितने ठगी कर लिए तुम? 50,000। अरे 75,000 तो एक में ही मिल गया तुमको, मुझे कहानी सुना रहे हो? सर तो उसमें 15,000 जो मालिक था उससे 100 रुपए भी लिए थे पहले उनके शादी के। तो तुम्हारा ही पैसा हुआ ना यार वो कंपनी का, 50,000 रुपये पूरा फटा के तुम 50,000 ले भी लिए। दिन में कितने लोग का फोन आता था? लगभग 10 नंबर से 12 नंबर हमको देता था। 10-12 नंबर का डेली फोन आता था उसको। कितने लोग पैसा जमा कर देते थे? कोई जमा भी कर देते थे। करीब कितने? 10 में? 10 में एक आध कर देते थे, किसी दिन वो भी नहीं करते थे। तो तुम तो 2 महीने में किए, 60 दिन में करीब 600 फोन आया, 600 में 10% बिके, 50-60 लोग कर लिए। साथ कितने लोग थे इन्वॉल्व? कितने लोग मालिक के पास, कितने लड़के होंगे? 4-5 लड़के। 4-5 लड़के मालिक रखता है, मालिक वो ऐड डालता है, जो नंबर का फोन आता है कुछ कुछ लोगों में डायरेक्ट करते जाता है। तो एक आदमी को 10 फोन आ रहा है, वो 5 आदमी रखा हुआ है, मतलब 50 लोगों का फोन डेली आता होगा करीब। ये भी सब वही फ्रॉड, वही मालिक देता है। पैसा किसके अकाउंट में आता था? पैसा किसके अकाउंट? मालिक, वो मालिक देखता है, वही रेंट वाला सिस्टम 30% पे, और सिम का इंतजाम भी मालिक ही करता होगा, सब कुछ मालिक करता है। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट है अवेयरनेस। हम ये फेसबुक के ऐड पे जाके, इंस्टाग्राम के ऐड पे, यदि इंस्टाग्राम पे ऐड आप देख भी रहे हैं, फेसबुक पे आप ऐड देख भी रहे हैं, तो आप उसको ओरिजिनल वेबसाइट पे जाके चेक कीजिए, और थोड़ा भी डाउट हो तो उस कंपनी का जो ऑफलाइन स्टोर है वहाँ जाके ज़रूर कन्फर्म करें। और एक बार गलती से आपने 1000-1500 दे भी दिया, आपको लग रहा है डाउटफुल, दोबारा पैसे मांग रहा है, कृपया ना दें। यदि आप 1000 रुपये डूबेगा आप बच जाओगे, एस्केलेट करते चले जाओगे तो ये धोखाधड़ी वाले बढ़ते चले जाएंगे।
तो आज हमने दो मॉडल ऑपरेटिव दिखाया और इसका बताओ भाई, पकड़ो भाई। हेलो जामताड़ा सर, अरे मेरा अमेजोन का आना था भाई, आया नहीं वो कुरियर। टैगिंग आईडी मेरा ऑर्डर नंबर है 423484 और टैगिंग नंबर है 456934। सर मैं चेक कर पा रहा हूँ, कोई टेक्निकल इशू वजह से आपका एड्रेस जो है वो ऑनलाइन अपडेट नहीं बता रहा है, इसलिए वो पार्सल अभी होल्ड पे रखा हुआ है सर। अरे बहुत इंपॉर्टेंट पार्सल है मेरा, कैसे करते हो आप लोग? जी सर मिल जाएगा, मैं प्रोसीजर बता दे रहा हूँ, ऑनलाइन एड्रेस अपडेट कर लीजिए, आधे से एक घंटे में मिल जाएगा। तो कैसे होगा वो? सर मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ सर, प्ले स्टोर ओपन कर लीजिएगा, प्ले स्टोर में सर डाउनलोड कीजिएगा एनी डेस्क, मोबाइल पे कोई मैसेज मिला होगा गूगल फॉर्म का लिंक, उसमें देखिए नाम मोबाइल नंबर एड्रेस वगैरह मांग रहा है। नाम भर दिया, मोबाइल नंबर एड्रेस ट्रैकिंग नंबर, हाँ अमाउंट में सर 5 रुपए डालिएगा, एड्रेस वेरिफिकेशन चार्ज कटेगा। तो ये 5 रुपए कहाँ से डालूं? सर वहाँ पे ऑप्शन होगा, 5 रुपए डालने के बाद नीचे ऑप्शन होगा डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड का, ओटीपी आएगा, उसके बाद डालने सर, हाँ जी, उसके बाद सर यहाँ से हम लोग सबमिट कर दिया, उसके बाद हम लोग यहाँ से भेजते हैं ओटीपी, ओटीपी अगर पैसा रहता है मरा जाता है, नहीं। संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों ने 132वीं अंबेडकर जयंती के अवसर पर सैकड़ों की संख्या में भव्य शोभा यात्रा निकाली और जय भीम के नारों के साथ शहर भ्रमण किया। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर बुद्ध विहार समिति शंकर नगर द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गयी। शोभा यात्रा में जय भीम के नारे गुंजायमान होते रहे। शोभा यात्रा में बाबा साहेब के अनुयायियों ने सैकड़ों की संख्या में यहां पर जुटकर रैली में शामिल हुए। इस अवसर पर सुबह बुद्ध विहार शंकर नगर में पंचशील ध्वजारोहण कर डॉक्टर बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। वहीं दोपहर बाद वार्ड पार्षद अजीत वैद के नेतृत्व में बुद्ध विहार शंकर नगर से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की भव्य शोभा यात्रा निकाली गयी। इस अवसर पर शोभा यात्रा में विधायक अरुण वोरा, सभापति राजेश यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधि शामिल रहे। बाबा साहेब के अनुयायियों को जयंती समारोह की बधाइयां उन्होंने दी। इस दौरान शोभा यात्रा में शामिल लोगों का जगह जगह फूलमालाओं से स्वागत भी किया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। शकुंतला ग्रुप ऑफ स्कूल के प्री प्राइमरी विभाग द्वारा शकुंतला विद्यालय के ऑडिटोरियम में शारदा विद्यालय एवं शकुंतला विद्यालय के नन्हे शिक्षार्थियों के लिए ग्रेजुएशन सेरेमनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में शकुंतला ग्रुप ऑफ स्कूल्स के डायरेक्टर संजय ओझा उपस्थित थे। समारोह का आरम्भ माँ सरस्वती की चरण वंदना से किया गया। तत्पश्चात सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत पुष्प गुच्छ भेंट कर किया गया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।